ही नहीं के लिए थी। एक ऐसे परिवार में इन्हें जन्म लिया, बेहद सामान्य और बेहद गरीब परिवार। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम गरीब परिवार में जन्म लिया है, हमने अभावों में जन्म लिया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे हमारे बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, जो बेहद गरीब और बेहद सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हैं। उनमें से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। जय जवान और जय किसान का नारा इन्हीं का दिया हुआ है। ये दो चीज़ें, जय जवान और जय किसान, सुनने में आज बहुत सरल लग रही हैं, लेकिन जब इनके मस्तिष्क से और हृदय से ये चीज़ निकली होगी तो वाकई में देश की धुरी ही ये दो हैं, जवान और किसान। तो सोचिए इनका मस्तिष्क की पहुँच कहाँ तक होगी कि पूरे देश का पूरा भाव उन्होंने दो लोगों को बताया कि अन्नदाता और रक्षा करने वाला, ये दो लोग ही हमारे देश के रक्षक होते हैं। तो इसी से इनका तो जीवन का परिचय मिल जाता है कि ये कैसी विभूतियाँ रही होंगी। तो इसी के साथ हम इनको नमन करते हैं और एक सप्ताह के लिए भारत सरकार के द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाता है, जो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये स्वच्छता दिवस केवल इन 7 दिनों के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको और हमें ये याद दिलाने के लिए है कि ये स्वच्छता हमको और आपको अपने जीवन में आगे लेके हमेशा चलती है। हम अपने अपने अंतर मन से पूछें, यहाँ बोलना बहुत सरल होता है कि हम साफ करें या आप साफ करो, हम लोग अपने अंतर मन में झांक के देखें कि हम लोग स्वयं कितनी गंदगी करते हैं। अपने घर के बाहर सुबह कचरा ले जाके हम या हमारे घर के सदस्य उसको कहाँ जाके डालते हैं, लोगों की नज़र बचा कर भी डालते हैं। हम में से ही ऐसे बहुत से हो सकते हैं, मैं भी हूँ, कचरा ऐसी जगह डालकर आएंगे कि बस हमारा घर सेफ हो जाए, बाद का भी हो सकता है किसी के दरवाजे पर डला हो या किसी ऐसी जगह उड़ के चला जाए, वो बाद में कि कहीं और गंदगी करे, सड़क पर पहुँच जाए, ऐसा होता है। तो अब इस बात का अगर हम केवल जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कल से उस चीज़ का ध्यान रख लें कि हम किसी कचड़े को अगर कहीं डालने जा रहे हैं सुबह, तो या तो गाड़ी का हमारी भारत सरकार की तरफ से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, कितनी सुविधाएँ, अगर गाड़ी के समय पर हम उपलब्ध नहीं है तो हम अपने कचड़े को जला कर आए, उसको ख़त्म कर कर आए, तो यही हमारी स्वच्छता की शपथ कम्प्लीट हो जाएगी। हमें शपथ बहुत आसानी से ले ली कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इतना सरल नहीं है। तो उसका हम निर्वहन ऐसे भी कर सकते हैं कि सुबह के समय हम अपने कचड़े को कहाँ फेंक रहे हैं, उसकी वजह से कोई परेशान तो नहीं हो रहा है, बस इतना सा हम ख्याल रख लेंगे तो हमारे मोहल्ले पड़ोस से भी संबंध समुद्र हो जाएंगे। कचरा ही एक मोहल्ले पड़ोस में सबसे बड़ी जंग की जड़ है ना। तो जब हम स्वच्छ रखेंगे तो दूसरा अपने आप अगर हमारे दरवाजे पर कचरा डालता है तो 1 साल 2 साल में वो खुद स्वतः ही सुधर जाएगा। मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो बड़े सर हैं वो अपना दरवाजा